दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नवरात्रा के 5वें दिन महामाया की 5वें स्वरूप भगवती स्कंद माता के आराधना कल जा रहा, साधक के ध्यान विशुद्ध चक्र में केंद्रित। 12 के फेटा गांव पालिका स्थित सेप्टिक टैंक में 5 गोटे के लाश भेटल, घटना के अनुसंधान जारी। संयुक्त राष्ट्र संघक 74 महासभा में सहभागी भ परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली स्वदेश फिरता, सार्क के सक्रिय बनेबाक हेतु प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संसद में रहल डेमोक्रेटिक नेता सबके आलोचना, टेलीफोन वार्ता के पूर्ण विवरण अगला के बाद ट्रंप आक्रोशित। चैंपियंस लीग फुटबॉल अंतर्गत के समूह चरण के 2 खेल में बार्सिलोना भेजा इंटर मिलान 2-1 से पराजित। आप पूरा समाचार। नवरात्रा के 5वें दिनक महामाया के 5वें स्वरूप भगवती स्कंद माता के संकल्प भ आराधना कल जा रहा है। संसार के मोह में ग्रस्त भेल जीवन सबक उद्धार करवला भगवती के अवतार स्कंद माता के। नवरात्रा के पंचमी के दिन में स्कंद माता अवतार ग्रहण के विश्वास रही। भक्त के अभिलाषा पूरा करवाक स्कंद माता भक्त के अत्यंत शुभ फल प्रदान होत। योग विज्ञान अनुसार आजुक दिन में साधक के ध्यान विशुद्ध चक्र में केन्द्रित होते। भूमि में रहल वीर्यवीत शक्ति सँ स्कंद के जन्म देला कारण माता पार्वती के एहि रूप के स्कंद माता कहि कऽ पूजा कयल जाय छन। शिव के पसीना सँ वीर्य बीज बनल आ ओहि मे सँ कार्तिकेय वा स्कंद के जन्म भेला कारण स्कंद माता के कर्म तथा परिश्रम के प्रतीक मानल जाय छन। स्कंद माता के बदन वर्ण पीयर चित्रण कयल गेल अछि। ई देवी मानस गद्दी में बैसल तथा हाथ में कमलक फूल धारण केने छथि। एहि देवी के भक्ति कयला सँ संतानक सुख प्राप्त केनाइ के साथे उर्वरा सँ धरती सुसंपन्न होबाक बताओल गेल अछि। नवरात्रिक अन्य दिन देवी भक्तिक लेल एहि दिन सेहो भक्तजन सब देश के विभिन्न शक्तिपीठ तथा देवी मंदिर सब में उपस्थित रहते अछि। देवी के पूजा पाठ तथा शक्ति के साधना कऽ रहल छथि। आजुक दिन देवी के प्रसाद के रूप में केड़ा चढ़ाओल जाय छनि। देवी पूजा के समय बेल, लताम, केरा, खीरा, दूध, पकवान, वस्त्र आभूषण, गरगहना समेत चढ़ेबाक चलन अछि। नवरात्रिक पहिल दिन घटस्थापना सँ देश भरि रहल देवी मंदिर तथा शक्तिपीठ सब में देवी भवानी के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। सप्तरी के कंकालनी, सखड़ा, भगवती, काठमांडू उपत्यकाक नवदुर्गा सब में सँ गुहेश्वरी, नक्साल भगवती, कालिका स्थान, मैती देवी, भद्रकाली, संकटा, रक्तकाली, शोभा भगवती, दक्षिणकाली तथा अन्य देवी मंदिर सब में तलेजू भवानी, चामुंडा भगवती, नर देवी, विजेश्वरी, बांग्लामुखी सहितक मठ मंदिर में भगवती दुर्गा भवानी के पूजा पाठ कयल जा रहल अछि। 12 जिला के फेटा गांव पालिका वार्ड नंबर 4 बतरा स्थित सेफ्टी टैंक में 5 गोटे के लाश भेटल। हत्या कऽ कऽ सेफ्टी टैंक में फेंकल गेल अवस्था में बुधदिन राति 12 में 5 गोटे के लाश भेटल। जिला के फेटा गांव पालिका एक ही परिवार के 4 गोटे, एक भारतीय नागरिक सहित 5 गोटे के लाश भेटल। प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP रंजीत राठौर जानकारी दिलाथ। ये लाश सब शंकास्पद अवस्था में रहल प्रहरी के कहबै वही बारे अनुसंधान सेहो भरल बताओल गेल। मृतक सबके 40 वर्षीय जोधा मुखियाबिन, हुनकर श्रीमती लालमणि मुखियाबिन, तहिना हुनकर 12 वर्षीय बेटी सुमानी मुखियाबिन, हुनकर भाई वर्ष 30 के महेंद्र मुखियाबिन आ एक गोटे भारत से रिश्तेदार के घर आयल बाबा कहायवला पुरुष रहल DSP राठौर जानकारी देने। प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल जानकारी देने, सब पोस्टमार्टम के लिए पठाओल गेल जानकारी देने। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली संयुक्त राष्ट्र संघक 74 महासभा बैसार में सहभागी भ स्वदेश घूमल छन। परराष्ट्र मंत्री गेवाली सार्के गति देव अहि के सदस्य राष्ट्र सब तैयार रहल बतबैत संयुक्त राष्ट्र संघक 74 महासभा बैसार में सहभागी भ स्वदेश घूमल मंत्री गेवाली सब राष्ट्र गति देव तैयार भेल बतौलथ। मंत्री गेवाली के अनुसार दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कक अनौपचारिक मंत्री परिषदक बैसार में सब सार्के सक्रिय सेहो भूमिका खेलबाक प्रतिबद्धता जनल। कैसा चीनक राष्ट्रपति निकट भविष्य में नेपालक भ्रमण करवाक संभावना रहला बादो मिति निर्धारण हुब नहीं सकल आ बतौलथ। मंत्री गेवाली बुध दिन राइट विमानस्थल में पराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी स्वागत सलाह।
नागरिक समाज अगुवा सह प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रकरण में सत्य तथ्य छानबीन क दोषी पता लगाकर कार्रवाई करे के मांग करे स काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के वक्ता सब सभामुख महरा ऊपर लगाल गेल यौन दुर्व्यवहार के आरोप तत्काल अनुसंधान क दोषी पता लगाब मांग करे स पीड़ित महिला मेडिकल परीक्षण कराब अस्वीकार क बयान बदलला स राज्य के उच्च ओहदा के व्यक्तित्व के चरित्र हत्या देशे के बेजती भेल नागरिक समाज के दावी है। म डिप्रेसनको औषधि खाइरहेछु यसैले बोले भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रत्यारलाग्दो कुरा होइन। उहाँका दुईटै भिडियो अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा उहाँ सचेतनापूर्वक ढङ्गले अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको देखिन्छ। त्यो कुनै पनि व्यक्तिको भनाई प्रमाणमा लिने एउटै मात्र एक्सेप्सनल व्यवस्था छ कानुनमा, त्यो भनेको मानसिक सन्तुलन गुमाएको भनेर चिकित्सकले प्रमाणित गरेको छ भने उसको भनाई प्रमाणमा लाग्दैन। यो यस्तो किसिमको घटना भोलि फेरि नपलाउला न नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारण यो घटनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामिपारलाई र एउटा चाहिँ देशप्रतिको भनौँ राज्यले चाहिँ जनताप्रतिको एउटा दायित्व चाहिँ उ गर्नका लागि र यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा भनौँ स्पष्ट पार्नका लागि पनि हामीले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ एउटा चित्त बुझ्ने तरिकाले चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। संविधान के धारा 91 के उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभा के सभामुख आ उपसभामुख फरक फरक दल के प्रतिनिधि होबो परबाक वाला स अब आब वाला सभामुख फरक दल के होबो सकबाक से हो वक्ता सभक कहब सल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार हुलाक सेवा विभाग अपने भवन निर्माण करबाक तैयारी कयने छ। 141 वर्ष भाड़ा में संचालन होइत आयल हुलाक सेवा के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय हुलाक सेवा विभाग के भवन सरकार अई वर्ष काठमांडू के बबर महल में बनेबाक तैयारी कयने छ। हुलाक सेवा के मुख्य प्रशासकीय भवन आबवला वर्ष सम्पन्न हेब जका अई वर्ष बनेबाक तैयारी कयल गेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बासकोटा जानकारी दिलथ। बुधिन काठमांडू के डिली बाजार में निर्माण कयल गेल गुसवारा हुलाक कार्यालय भवन के उद्घाटन करैत ओ काजक प्रेशर देख कर सरकार कार्यालय सबके व्यवस्था करवाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कला था। मंत्री बासकोटा सेवाग्राही सबके सेवा के ध्यान में राखकर कार्य संपादन कर सेहो कर्मचारी के सचेत करौल था। दशमिक लेल राजधानी काठमांडू छोड़कर जन्मस्थान जायवला सर्वसाधारण के संख्या बढ़ल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के अनुसार आश्विन 5 गते से 14 गते धरि 11 लाख से बेसी उपत्यका छोड़ चुकल है। एखनो 10 लाख आदमी राजधानी छोड़बाक ट्राफिक प्रहरी के अनुमान रहल असोज बाट टिकट काउंटर जब खुल्यो त्यस पछाडी चाहिँ टिकट बुकिंग को कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ अहिले जुन अग्रिम बुकिंग चाहिँ 127,306 जनाले चाहिँ अग्रिम बुकिङ गरेको स्थिति छ होइन। र अब करिबन आजको मितिसम्म चाहिँ लगभग 10 लाख मान्छे चाहिँ के भने गइसकेको अवस्था छ। तहिना सवारी साधनको आवजावतमै सोहो वृद्धि भेला छ। हालधेरि 117,120 सवारी साधन आयल त 137,000 बहराले छ। तैनाक 14,848 सवारी साधन कार्यवाहीमै पडल सेहो ट्राफिक प्रहरी जनाउनकै छ। अग्रिम टिकट बुकिङ नै भेट्ला छ। भाडा बेसी तिर पड्बाक जामक समस्या लगायतक उपराग सब सेहो बढल महाशाखाकै कहबै छ। सन् 2021 के लिए अमेरिकी डाइवर्सिटी भिसा डीभी बुद्धिन राइट से खोजल है। अमेरिकी समयअनुसार अक्टूबर 2 तारीख से आवेदन के म्याद शुरू होबाक जनाओल गेल। आवेदन के म्याद आबवला नोभेम्बर 5 के दुपहरिया 12 बजे धरि रहत। सन् 2020 में मई महीना में वही के नतीजा निकलके आ फॉर्म भरलाक बाद कन्फर्मेशन नंबर सेहो नतीजा आब समय धरि सुरक्षित राख पड़बाक जनाओल गेल। आवेदन देवक लेल म्याद नै गुजरक आधिकारिक पासपोर्ट होब पड़बाक एंट्री प्रक्रिया पूरा भेलाक बाद राहदानी के बारे में जानकारी कराब पड़बाक जनाओल गेल। आब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार का साथ मा निजी क्षेत्र से संचालन भेल रुग्ण जल विद्युत आयोजनाई के उत्पादन दोसर चरण के आंदोलन घोषणा कयने छ। सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादक देव कहल गेल सुविधा उपलब्ध नहीं भेल ऊर्जा मंत्री समक्ष आयोजना के स्वाभि बुझेबाक चेतावनी समेत देल गेल छ।
बुध दिन स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सबकी संस्था इपान नेपाल काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क रुग्ण जल विद्युत आयोजना के समस्या संबोधन करवाक हेतु मांग करैत आंदोलन के घोषणा केने अछि। ऊर्जा उत्पादक सब सरकार पूरा करब कहने दायित्व पूरा भेला पर मात्र रुग्ण बनि रहल बहुतो आयोजना बचबाक दावी समेत केने अछि। ब्याज दर घटावा परबाक प्रसारण लाइन समय में बनावा परबाक सरकार द्वारा देल जाय वाला अनुदान देव बाग सहितक मांग उत्पादक सब के अछि। ऊर्जा उत्पादक सब मांग पूरा नहीं भेल त विभिन्न निजी क्षेत्र के संस्था सब तथा राजनीतिक दल सब संगे बातचीत करैत मंत्री सब प्रधानमंत्री धर के ज्ञापन पत्र देबाक कार्यक्रम तय केने अछि। यदि ऊर्जा उद्यमीक मांग के व्यवस्था कयल गेल त धरनाक साथे आयोजनाय स्थल में विरोध करबाक सेहो उद्यमी सब के कहब अछि। मांग पूरा नहीं भेल त कार्तिक 25 कते रुग्ण 25 टा जल विद्युत आयोजना के चाभी ऊर्जा मंत्री के देवाक ऊर्जा उत्पादक सब के चेतावनी रहल अछि। आयोजना स्थल में हमारा माग जो संबंध में जानकारी सहित कालो ब्यानर राखे माग पूरा नभए सम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्न हामी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई प्रेरणा गर्छौँ र माग पूरा नभएमा नेपाल सरकारका ऊर्जा जल तथा सिँचाइ मन्त्री समक्ष कार्तिक 1 गते ऊर्जा उद्यमी सब चारिटा आयोजना सबके 35 दिनक सूचना निकालबाक अवस्था में रहल कहैत चिंता व्यक्त केने अछि। रुग्ण आयोजना सब बंद भेल त बैंक सबके अरबों के नुकसानी होबाक संभावना रहल समेत जनौलक अछि। एहि सब पहिने सेहो ऊर्जा उत्पादक सब विभिन्न सरकारी निकाय तथा पूर्व प्रधानमंत्री सबक ध्यान आकर्षण करा चुकल अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से फेर। नवरात्रा के पांचम दिनक महामाया पांचम स्वरूप भगवती स्कंद माता के आराधना कल जा रहा साधक के ध्यान विशुद्ध चक्र में केंद्रित। बाराक फेटा गांवपालिका स्थित सेप्टिक टैंक में 5 गुट के लाश भेटल घटना के बारे में अनुसंधान जारी। संयुक्त राष्ट्र संघक 74 महासभा में सहभागी भ परराष्ट्र मंत्री गेवाली स्वदेश फिरता सार के सक्रिय बनेबाक प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संसद में रहल डेमोक्रेटिक नेता सबके आलोचना टेलीफोन वार्ताक पूर्ण विवरण मंगलाक बाद ट्रंप आक्रोशित। चैंपियंस लीग फुटबल अंतर्गत समूह चरण के दूसर खेल में बार्सिलोना विजय इंटर मिलान 2-1 से पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार .com में सेहो पढ़ देख सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।